हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं अपने बाल बना रही हूँ। मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा पतले हैं और वैसे तो सिल्की हैं काफ़ी, लेकिन उलझते बहुत ज़्यादा हैं इनको। मतलब कंघी करने की बारी आती है ना, तो मैं बड़ा जी चुराती हूँ कंघी करने से। अपने बालों को बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा लिवोन सीरम लगा लिया है बालों में, तब मैं अपने बालों को सुलझा रही हूँ। तो शाम के टाइम कंघी कर रही हूँ और दिन में मैं एक ही बार अपने जो है बालों को कॉम्ब करती हूँ। तो बस अभी मैं बाल बनाकर फिर मुझे जाना है फ्राइडे मार्केट, सब्जियाँ लानी है क्योंकि सब्जियाँ सारी ख़त्म हो चुकी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चे शोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अरे शोर मत करो। तो अभी आई हूँ मैं सब्जियाँ लेकर। हमारे यहाँ पे ना फ्राइडे मार्केट लगती है, तो वहाँ से मैं 1 वीक की एक बार में ही सब्जी ले आती हूँ और वो फिर मेरे पूरा वीक तक मैं चलाती हूँ अपनी सब्जियों को। तो ऐसा मैं पहले नहीं करती थी, तो मुझे बीच बीच में सब्जी लेने जाना पड़ता था, तो इसलिए मैं अब 1 वीक की सब्जी एक बार में ही ले आती हूँ। तो बच्चे ना शोर कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको चुप कराया, वरना वो कुछ नहीं सुनने देंगे। तो चलो भाई अपनी सब्जी निकालते हैं, वॉश करते हैं और फिर मुझे खाना भी बनाना है। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। तो ये है मेथी, सबको निकाल लेती हूँ। गोभी शिवानी मत करना। और ये है भिंडी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है वैसे, हरी सब्जियाँ मुझे अच्छी। ये है भुट्टे। बेटा तुम शोर क्यों कर रहे हो? अमरूद, जो कि आशु के फेवरेट है। और ये है धनिया, हरा हरा धनिया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए बहुत अच्छा धनिया है। हरी मिर्ची, तो मैं पहले अपनी सब्जियों को निकाल लेती हूँ। अरे बाप, तो खुला हुआ इसमें। ये है बीन्स, और ये भाकला बोलते हैं इसको, तो इसको आलू के साथ बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, ये भी टेस्टी लगता है। और है गाजर, गाजर हो गई। ये हमारी प्याज हो गई, प्याज बड़ी। और ये मटर, और ये टमाटर। बस अब इन सब्जियों को मैं निकालूंगी, बकेट वगैरह में रखूंगी, फ्रिज में लगाऊंगी वॉश करके धो के, उससे पहले मैं खाना बनाऊंगी। तो देखते हैं क्या बनाते हैं खाने में, जो जल्दी से बन जाए फटाफट, क्योंकि 7 बज चुके हैं। तो बस अब मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, और उसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पर, ऑयल डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, और उसमें रफली प्याज कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। तो प्याज जो है भुन रहा है अभी, हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो सिंपल सी बिल्कुल मैं सब्जी बना रही हूँ, और उसमें टमाटर डाल दूँगी जब तक जो है। और शाम को ना बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था, रोल खा लिया था, तो ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए थोड़ा सिंपल सा ही डिनर बना रही हूँ। और ये देख सकते हैं हम, प्याज जो है मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है। उसके बाद मैंने उसमें टमाटर और हरी मिर्च जो कट करी थी वो डाल दी है, और बेसिक से मसाले डाल दूँगी जो हम डेली डालते हैं। सिर्फ मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और नमक। बस अब इन सबको डालकर मिक्स कर दूंगी, और बिल्कुल सिंपल सा डिनर बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ज़्यादा भूख नहीं है, कम ही भूख है, क्योंकि शाम को बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था। तो बस इसीलिए सिंपल सा डिनर बन रहा है। और अब देख सकते हैं अच्छे से जो है मैंने सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद मैंने आलू बैंगन कट करके रखे हुए थे पानी में भिगोकर, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे, और अब इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और लो फ्लेम पे पकाऊंगी इनको। बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करूंगी इसमें, ऐसे ही बन जाएंगी। ये आलू बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, सूखी सब्जी हो या तरी वाली, मुझे तो पसंद है आलू बैंगन की सब्जी। उसके बाद जब तक मेरी सब्जी बन रही है, तो मैं आटा लगा लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। और आजकल जैसे सर्दियाँ ना हल्की सी, तो मैं हल्का सा गुनगुने पानी में आटा लगाती हूँ। गर्मियों में मैं ठंडे पानी से ही लगा लेती हूँ, बट हल्का सा अभी जो है सर्दियों में हल्का सा गुनगुना पानी ले लेती हूँ, आटा थोड़ा जल्दी सेट हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं आटा लगा कर रख दूँगी ऐसे ही इसको थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सेट हो जाए जब तक।
और ये रखा हुआ था बूरा, बेसन के लड्डू बनाए थे ना, तो उसमें यूज़ करा था, तो ये बच गया था। अब इसको मैं डब्बे में करके रख रही हूँ, वरना इधर उधर गिरता रहेगा फिर ये। तो बस जब तक मैंने ये सारे काम करे, एक बार फिर सब्जी अपनी चेक कर लेती हूँ। तो सब्जी को मैंने चेक किया, आलू अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए थे, तो अभी और थोड़ी देर और पकाना है सब्जी को। तो अब ये देखिए मैं कितना पानी खुद से ही इसमें निकल गया है, तो देख सकते हैं अब आलू भी पक गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। और अब इसको बस 1-2 मिनट और पकाऊंगी मैं। इसमें डाल दूंगी गरम मसाला, डाल दिया बिल्कुल हल्का सा डाला है गरम मसाला, ज़्यादा नहीं डाला है, हल्का सा ही डाला है। और थोड़ा सा जो है मैं इसमें धनिया पत्ते डाल दिए हैं कट करके। तो बस ये सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, तो बन गई है रोटी। और रोटी भी बना ली थी मैंने, बैंगन की सब्जी, सिंपल सा डिनर है, तो आप लोग भी खा लीजिए। और अपना दूध भी उबाल दिया है मैंने। तो अब मैं यहाँ पर डिनर वगैरह करने के बाद बर्तन सारे क्लीन कर दिए हैं, किचन का काम ख़त्म हो गया है, उसके बाद मैं अपनी सब्जियों को लगा रही हूँ, जो जहाँ जहाँ पर मुझे रखना है, फ्रिज में रखना है, कुछ टोकरी में लगाना है सब्जियों को। तो उससे पहले मैं धनिया को साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि धनिया बड़ी ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको मैं पेपर में रैप करके रख दूँगी धनिया को। धनिया बहुत ही अच्छा था, फ्रेश फ्रेश था एकदम, और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो मैंने थोड़ा सा कट करके आलू बैंगन की सब्ज़ी में भी डाल दिया था, कुछ की मैं चटनी बना लूँगी। और उसके बाद धनिया मेरा साफ़ हो गया था। उसके बाद जो है मुझे जो मेथी है वो मैं साफ़ करी, क्योंकि ये वाली जो सब्जियाँ होती हैं ना, मेथी होगी, पालक हो गया, हरा धनिया, इनको ख़राब होने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए पहले इन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ, यूज़ में लाती हूँ और साफ़ करके भी रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे मेथी की सुबह सब्जी बनानी है, तो इसलिए मैंने मेथी को साफ़ कर लिया है। अब जो ये वाली सब्जी, बाहर रखने वाली सब्जी है, मैं इसको लगा रही हूँ, वो वाली मैंने सारी सब्जी लगा दी है फ्रिज में। तो ये आलू और प्याज है, लहसुन वगैरह है, अदरक है, वो सब मैं इस टोकरी में रख दूंगी। तो आलू ज़्यादा गंदे नहीं है, इसलिए मैंने आलू को वॉश नहीं करा, आलू मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। तो बस यहीं तक था आज का मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।